के अंधेरे बहुत है। माना कि तुम्हारे सामने प्रतिकूलताएं हैं, माना कि जो दिख रहा है तुम्हारे सामने वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है दृश्य, लेकिन तुम इसको जीत सकोगे, हौसला रखो। और ऐसे ही जीता ही संसार ने। देखो ये तो थोड़े से हमने आसन बताए जिससे जितने बन पाए। खड़े हो जाओ बेटा, थोड़े खड़े हो करके डेली आप सब भी खड़े हो जाओ। बच्चों यहाँ भी कई बच्चे आए हुए हमारे पास। अच्छा एक ईमानदारी से कोई बताए तो सुसाइड करने की या कभी कभी बहुत नकारात्मक इच्छा किस किस को हुई है? तेरे को हुई? क्या हो गया था? कुछ नहीं, अचानक से सुसाइड करने का मन। अब जाओ, तुम तो कभी कभी मरोगे नहीं, समझ गए? जाओ उधर जाओ। स्वामी जी मैं पिछले 20 सालों से। आ जा इधर। अब ये इसको ऐसा हो गया था कि अचानक ही लगा कि अब क्या मरने की इच्छा हो रही थी। हाँ बाबा जी। क्यों? उधर जा साइड में आ जा। पता नहीं अचानक से हंसने बोलने का मन नहीं करता था और बस सुसाइड करने का मन करता था कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? अचानक ही मन में आने लगी बातें ऐसे ही। घर परिवार सब कुछ? हाँ सब कुछ ठीक है। क्या करते हैं हस्बैंड? एयरफोर्स में है। एयरफोर्स में हस्बैंड है, वो देश की सुरक्षा में लगे हुए। ये अपनी रक्षा नहीं कर पा रही थी, घबरा गई थी। मुझे माइग्रेन है बाबा 10 साल से बस। और तो कोई नहीं, माइग्रेन की वजह से मुझे अचानक इसको खाली एक सिर में दर्द हुआ और वो सिर दर्द जो है इसके अंदर इतना समा गया कि पूरी दुखी हो गई। हाँ 10 साल, 2 बच्चे हैं मेरे पे। 2 बच्चे हाँ। देख ना मेरे बीबी, ना बच्चे, ना हस्बैंड, ना वाइफ, ना घर, ना परिवार, कितना खुश रहता हूँ। और मेरे को देखकर तेरे को कैसे लगता है? अच्छा लगता है कि देखो खुश रहते हो बिना घर परिवार के, बिना संसार के, बिना बच्चों के, कितने खुश हैं सब। स्वामी जी उनसे ये पूछिए कि जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो कैसे लड़ी और कैसे जीती। खुशी ढूंढ सकते हैं। जो ख्याल उनका जिंदगी को ना कहने का था वो जिंदगी को हाँ कैसे कहा उन्होंने। मैं कल ही आई हूँ बाबा जी, लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले तो घर में हार गई थी और यहाँ के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, यहाँ का माहौल वगैरह देख रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सब कुछ। चारों तरफ इसको यहाँ फूल दिख रहे हैं, चारों तरफ अच्छे लोग हंसते हुए लोग दिख रहे हैं। हाँ। अपने आप ही उभर गई। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अब नहीं मरेगी ना? नहीं अब नहीं मरेगी। नहीं। चल अब मेरे साथ योग कर, अब ये नहीं मरेगी। एक छोटी सी बात से ही चीजें बदल जाती है हुसैन। कोई बेवक्त नहीं जाएगा स्वामी जी। पहले तो ये मरना चाहती थी, कोशिश है आज के देखा। स्वामी जी डिप्रेस्ड लोगों का डाइजेशन जो है वो भी खराब हो जाता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी इशू होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी होने लग जाती है। तो क्या खान पान का असर या कोई फिक्स टाइम ना रहने की वजह से भी डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ता है, या फिर डाइजेशन और इनडाइजेशन और इंसोम्निया की भी परेशानी होने लगती है? इसे कैसे दूर भगाएं? ऐसे करो, अब देखो जो है ये सच है कि पेट जब ठीक नहीं होता तो उसका असर दिल दिमाग पर पड़ता है। इसलिए सुबह उठ करके एक होता है हार्मोन ना हमारे शरीर में लेप्टिन, लेप्टिन का लेवल गड़बड़ हो जाता है। फिर उसके अलावा अलग अलग जो हमारे एंजाइम्स हैं पेट के वो गड़बड़ होने लगते हैं। तो योग से यही योगाग्राम में मैंने आज से 10 साल पहले रिसर्च किया था कि लेप्टिन लेवल कैसे कंट्रोल होता है। आराम से करो बेटे। तो योग से लेप्टिन लेवल कंट्रोल होने से भूख प्यास पर भी नियंत्रण आता है। आदमी को भूख ठीक से ना लगे उससे भी डिप्रेशन हो जाता है। और उसके लिए एक तो ये अभी जो अभ्यास बता रहे हैं अलग अलग ये करें, और जवान बेटा बेटियाँ हैं तो थोड़ा 25-50 बार ऐसे थोड़ा थोड़ा करो बेटा, ज़्यादा नहीं करना। 10 बार से शुरू करो, 10 बार से शुरू करके और ऐसे 25-50 बार तक करवा देते हैं। ऐसे भी और ऐसे करो, देखो ऐसे ऐसे 10-20 बार ऐसे करना। एक बार पूरा अपने आप को थका लो, और जब अपने आप को थका लेते हैं ना उससे भी ये साधारण दंड और साधारण बैठक भी बता दिए। ऐसे चलो बटरफ्लाई करो बेटा ऐसे। कितनी उम्र है तुम्हारी? 30 साल है। तुम तो लगभग मेरे से आधी उम्र की हो। अब तेरी झाइयाँ भी आ गई ना, इससे भी किसी किसी को डिप्रेशन हो जाता है।
नहीं बाबा जी, डिप्रेशन के बाद ही आई। हाँ, डिप्रेशन के बाद आई। तो देखो डिप्रेशन यहाँ चेहरे पर भी आ गए इसको। अब इसको एलोवेरा और नीम, एलोवेरा नीम हल्दी और मेहंदी और ये मुल्तानी मिट्टी, ये सब लगा करके ना, और एक वो सौंदर्य लेप लगाते हैं ना, पपीता खीरा वो सब बताया हुआ ना, वो लगा लेना, है ना। अब देखो सुबह सुबह एक सेव खा लो खाली पेट, सुबह सुबह एक सेव, और मुनक्का अंजीर बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह सुबह खा लो, उससे पेट का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। थोड़ा अंकुरित खाना चाहिए, थोड़ा सुबह सुबह कोई भी फल खा ले, सबसे अच्छा सेव है ये। चलो बैठो सीधे, सुबह सुबह खाली पेट सेव खाना, इसका मतलब सेव खा करके प्राणायाम नहीं करना, प्राणायाम करके फिर खा लेना सुबह सुबह। जो सुबह सुबह बर्गर पिज्जा फिर और चाय कॉफ़ी पता नहीं क्या क्या फास्ट फूड जंक फूड, सुबह सुबह फिर फ्रेश हवा लिया करो, फ्रेश एयर खुले वातावरण में। थोड़ा जिनके पास में बड़ा पार्क नहीं है तो छत के ऊपर चले जाएं या बालकोनी में, थोड़े लंबे सांस ही ले लें। लंबे सांस लेने से ही फ्रेश ऑक्सीजन जैसे जाता है तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है हमारे भीतर ऐसे। स्वामी जी, जब आप फ्रेश ऑक्सीजन की बात करते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है, और मन करता होगा कि यहाँ से मैट उठा के गार्डन में ले जाए और आपका पोडियम भी उठा के लॉन में ले जाए। अच्छा स्वामी जी, क्या डिप्रेशन का मौसम से कोई लेने देना है, किसी खास मौसम में या दिन के किसी खास पहर में डिप्रेशन ज़्यादा होता हो? जैसे कई बार हम सुनते हैं कि शाम के वक्त लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, अकेला अकेला फील करते हैं। इसे मैं दूसरे शब्दों में हुसैन कहना चाहूँगी स्वामी जी, कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता जाता है बेहतर महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे रात होने लग जाती है ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में कुछ बाकी नहीं रह गया। जी स्वामी जी, तो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा है, सबसे सात्विक होता है, दोपहर का राजसिक, शाम का समय तामसिक होता है। ऐसे ही किसी किसी को जो है शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष में जो है उसमें भी अलग अलग दिन भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो प्रकृति का थोड़ा असर तो पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ और पहली बार कह रहा हूँ इंडिया टीवी पर, माना कि ये सारा पिंड और ये सारा ब्रह्मांड, ये सूरज चांद शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अलग अलग समय, इनमें बड़ी ताकत है, और अलग अलग औषधियाँ वनस्पतियाँ संसार में बहुत बड़ी ताकत है, दृष्ट और अदृष्ट शक्तियाँ भी हैं। मैं ढोंगा डमर पाखंड को नहीं मानता, लेकिन अदृश्य शक्तियाँ भी इस ब्रह्मांड में कार्य करती हैं, उनको मैंने देखा भी, अनुभव भी किया है, मैं मानता भी हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, मनुष्य इस धरती पर सबसे शक्तिशाली है, परमात्मा के बाद, भगवान के बाद, बिल्कुल स्वामी जी, और मनुष्य के ऊपर समय हावी नहीं हो सकता, परिस्थितियां हावी नहीं हो सकती। ये अलग अलग प्रकार के जो शनि केतु राहु आदि भूत प्रेत और कई प्रकार की नेगेटिव शक्तियां हैं, ये हावी नहीं हो सकती, कोई शैतानी शक्ति मनुष्य पर हावी नहीं हो सकती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये भगवान ने, खुदा ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने हमारा डिजाइन ऐसा बनाया है, हम इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली रचना है, और हम हौसला रखें तो दुनिया की सारी परिस्थितियों पर हम विजय पा सकते हैं, चाहे जैसी परिस्थितियों, मैंने बोला था, चाहे जैसी मनस्थितियों। और अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।